हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज होम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान को ईमेल पर भेजी गई धमकी को लेकर। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज नामक चैनल को दो इंटरव्यू दिए थे, जिनमें दोनों इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देते हुए नजर आया है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसने काले हिरण का शिकार कर बिश्नोई समाज को नीचा दिखाया है, उसके लिए उसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो उसका हाल बुरा होगा। वो इंटरव्यू देने के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को फिर धमकी मिली है। 18 मार्च को उन्हें धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। सलमान खान के मैनेजर ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बॉलीवुड के दबंग खान की जान पर मंडराता खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर प्रशांत गुंजलकर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें एक्टर से बात करने की बात कही गई है। ये मेल रोहित गर्ग के नाम से मिला है। ईमेल में लिखा था कि गोल्डी बराड़ को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख लिया होगा उसने शायद, नहीं देखा तो बोल दियो, देख लेना। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो वो भी बता दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। सलमान खान के मैनेजर ने बांद्रा पुलिस में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गर्ग और गोल्डी बराड़ के खिलाफ इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों के नाम पर FIR दर्ज कर ली है। बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी गई इस धमकी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।